एडवोकेट सतीश उके व उनके भाई प्रदीप उके को सत्ता और ईडी का दुरुपयोग कर फंसाने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में एडवोकेट तरुण परमार और एडवोकेट संजय पाटिल ने कहा है कि भाजपा नेता ने चुनाव में फर्जी शपथ पत्र पेश करने का आरोप उके ने लगाया था। यह प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इसका बदला लेने के लिए एडवोकेट सतीश उके पर कार्रवाई की गई। एडवोकेट परमार और पाटिल ने आरोप लगाया कि यह सरकारी मशीनरी की तानाशाही है। वकीलों ने कहा कि उके भाई फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। उन्हें अजनी पुलिस थाने के एक प्रकरण में न्यायालय पुलिस कस्टडी सुनाई गई थी। हमारा जो हमने फैक्ट्स बताए अभी कि वर्तमान जो सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो सरकार अपने पावर का दुरुपयोग करके सतीश उके बंधुओं को गलत तरीके से ईडी मामले में फंसा कर उनको जेल में बंद रखे हैं। और ईडी का जो ज्यूरिडिक्शन है, जो सेक्शन 44 ईडी एक्ट है, उसके अंदर जिस जगह पर अपराध हुए हैं उसी जगह पर उसका ट्रायल चलना चाहिए। नागपुर के अंदर पीएमएलए मतलब ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट है, उसके बावजूद भी इस मामले को मुंबई ले जाया गया है ताकि उन्हें और अधिक तरीके से प्रताड़ित किया जा सके और अपना मामला अच्छी तरह से डिफेंड ना कर सके। तो हमारा जो रोष है वो वर्तमान सरकार से भी है कि वो अपने पद सत्ता का दुरुपयोग कर रही है इस मामले में। तो सुटून आला तर हा मैटर एविडन्सला लागेल, एविडन्सला फडणवीसला सुद्धा यावं लागेल आणि फडणवीसची सुद्धा क्रॉस होईल, जी क्रॉस सतीश उके घेईल याच्यापासून वाचा। कारण सतीश उके स्वतःची केस स्वतः मांडली कोर्टात आणि दोन्ही पीसीआर जो मागितला तोही रद्द केला, ॲडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज त्याच्याकडे रिव्हिजन केली तोही रद्द करून घेतला। म्हणून सतीश उकेला खोट्या तरीकाने हेतुपुरस्सर षड्यंत्राखाली आणि शेड्यूलचे जे गुन्हे आहेत ईडीमध्ये ए आणि बी शेड्यूल आहे त्याच्यामध्ये त्या दोन्ही गुन्ह्यामध्ये हे गुन्हे बसत नाही। गुन्हे नागपुरात घडलेले आहे, मुंबईच्या ईडीला काही पावर नाही, इथे पीएमएलए कोर्ट आहे, परमार साहेबांनी सांगितलं। बाकी सर्व तुम्ही पत्रकार आहात, पत्रकार हा खास निष्णात आणि बुद्धिमान असतो, तो एक वकीलसुद्धा असतो, तो एक जजसुद्धा असतो, तो भारताचा नागरिकसुद्धा आहे आणि पत्रकारावर आमची अगाध श्रद्धा आहे आणि भारतीय संविधानावर आणि भारताच्या नागरिक म्हणून आपण सगळ्यांवर आपली श्रद्धा आहे, विश्वास आहे। उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजे इसके लिए सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। नागपुर अपराध शाखा ने 19 अक्टूबर को उन्हें विशेष न्यायालय में हाजिर किया था, लेकिन न्यायालय ने राज्य सरकार की विनती खारिज कर दी थी। इस प्रकरण में सरकारी वकील उपस्थित होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा दो विशेष वकीलों की नियुक्ति की गई थी। अजनी प्रकरण में सतीश उके के विरुद्ध दोषारोप पत्र दाखिल किया गया है, इसके बावजूद किस अधिकार से पुलिस कस्टडी मांगी गई, इस प्रकरण में कानून की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया गया है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।